एक तूफान की तरह फैलता हुआ बिजनेस है, लेकिन करना सोच समझ के, जल्दबाजी मत करना कभी भी। नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। दोस्तों, पिछले दिनों से हम लगातार बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं, और इन वीडियो में हम आपको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या है, इसे किस तरह की जाती है और किस तरह फार्म तैयार किया जाता है, इस बारे में लगभग सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जिसके नाम पे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में सबसे बड़ा फ्रॉड किया जाता है। यानी कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में हम लोग समझते हैं कि सिर्फ मछली पालन करना, ये आपकी अधूरी जानकारी है। दोस्तों, फिश फार्मिंग तो हम तब करेंगे जब अच्छा फाउंडेशन तैयार करेंगे, अच्छे से टैंक बनाएंगे, तो ही उसके बाद में हम फिश फार्मिंग कर पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी ठगी ये होती है कि जो बायोफ्लॉक में जो हम टैंक में जो तारपोलिन लगाते हैं, उस तारपोलिन की कीमत 5,000 से भी बहुत कम है। लगभग 4,500 रुपये का तारपोलिन आ जाता है, जो कि कंपनियां 10,000, 12,000, 15,000 मर्जी के हिसाब से अपनी रेटें ले लेती है। जो चीज 4,000 से 5,000 के बीच में आती है, उसको आप 15,000 से 20,000 रुपये में खरीदोगे, तो कितने ठगी के शिकार होगे। अब तारपोलिन में मुख्य चीज होती है GSM पे चलता है। अब GSM अलग अलग होते हैं, तो आपको अभी जो हम सैंपल दिखा रहे हैं, ये जो तारपोलिन आपको दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे घटिया क्वालिटी के तारपोलिन, ये सब बेस्ट से बेस्ट तारपोलिन है। लेकिन इसमें हमें बताया जाता है कि 500 GSM से तारपोलिन शुरू होता है, जो 2,000-2,500 GSM तक का आता है, और जिनकी उम्र अलग अलग होती है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि आपको ज़्यादा GSM बता के कम GSM का तारपोलिन पकड़ा दिया जाता है, और इसे हम समझ नहीं पाते। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये GSM होता क्या है। दोस्तों, आसान भाषा में और सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो एक स्क्वायर मीटर GSM को अगर काट के आप उसको तोलेंगे, और 1000 GSM का अगर वो तारपोलिन है, तो उसका 1 किलो वजन आएगा, यानी कि 1000 ग्राम वजन आएगा, तो वो कहलाएगा 1000 GSM। दोस्तों, आप आसानी से GSM का पता कैसे लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। दोस्तों, Amazon पे मात्र 250 रुपये की एक मशीन मिल जाती है, जिसकी सहायता से आप GSM का पता लगा सकते हैं। महंगी मशीन नहीं, सिर्फ 250 रुपये। अगर आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, और भविष्य में आपको तारपोलिन खरीदने हैं और उनके GSM पता करने, तो आप ये मशीन खरीद लीजिए। और अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं, तो उसका Amazon का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप तारपोलिन चेक करने की मशीन को खरीद सकते हैं। तारपोलिन खरीदते वक्त हमें GSM के साथ ये चीज भी ध्यान रखनी है कि तारपोलिन HDPE न होके PVC कोटेड होना चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग लाइफ मिले, क्योंकि HDPE बहुत ही रफ होता है और जल्दी कट फट सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि PVC कोटेड ही तारपोलिन खरीदें, ताकि आपको लॉन्ग लाइफ तक उसका इस्तेमाल हो सके। दोस्तों, अक्सर आप कमेंट करके पूछते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग कौन दे रहा है, इसका पता कहाँ लगाया जा सकता है। मैं दोस्तों आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि अच्छी ट्रेनिंग होती क्या है। अच्छी ट्रेनिंग वो होती है जो आपको परफेक्ट जानकारी दे, कम से कम कीमत पे आपका फिश फार्म लगाने में मदद करे, और फिश फार्म लगाने के बाद भी आपको ना छोड़े, ये होती है परफेक्ट ट्रेनिंग। अधूरी ट्रेनिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैं कम से कम 12 से 15 बायोफ्लॉक फिश फार्म पे गया हूँ, जहाँ वो ट्रेनिंग भी देते हैं, सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग भी मैंने अटेंड करी है, देखी है। वहाँ लोग ये बात करते हैं कि बायोफ्लॉक में सिर्फ एयर स्टोन ही लगाया जाना चाहिए, एयर ट्यूब नहीं। अरे भाई साहब, उसको पता ही नहीं है कि बायोफ्लॉक में रिसर्च तो अब शुरू हुई है, ना कि ये कोई पुरानी तकनीक आई है कि जिसपे रिसर्च हो चुकी है। ओरिजिनल बात यह है कि बायोफ्लॉक पे हमेशा से रिसर्च चालू है, और रिसर्च हो रही है, नई नई तकनीकें आ रही है, तो वो अपग्रेड ही नहीं हुए, और वो आपको ट्रेनिंग देंगे तो वो आपका अपग्रेड फार्म कैसे लगवा पाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप परफेक्ट ट्रेनिंग ही लें। इसीलिए आपको बायोफ्लॉक फिश फार्म लगाने से पहले एक परफेक्ट ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, और परफेक्ट ट्रेनिंग वही बंदा दे पाएगा जिसने कितनी ही मेहनत कर रखी है। आपके हर सवाल का वो जवाब देगा, और आपके हर सवाल का जवाब उसके पास होगा।
जो बंदा एक तकनीक पे लेके बैठा है कि जो एयर स्टोन ही लगाना, एयर ट्यूब नहीं लगानी, वो बंदा आपको क्या परफेक्ट ट्रेनिंग देगा? सीधी सी बात है, इस पे रिसर्च चालू है, नई नई तकनीकें आ रही, उन तकनीकों के उसके पास जानकारी नहीं है तो आपको कैसे परफेक्ट ट्रेनिंग दे पाएगा और आप कैसे एक परफेक्ट बायोफ्लोक फिश फार्म लगा पाएंगे? अधूरी जानकारी में लगाया हुआ बायोफ्लोक फिश फार्म खतरनाक होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। परफेक्ट ट्रेनिंग का मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपको उसमें सारी जानकारियाँ समझा दी जाए क्लियर, और आप अगर ट्रेनिंग लेके बाहर निकले तो आप सीधा कह सकते हैं कि मुझे इस बायोफ्लोक फिश फार्म पे छोड़ दो, मैं इस बायोफ्लोक फिश फार्म को चलाने में पूरी तरह सक्षम हो गया हूँ, तो ही आपकी ट्रेनिंग सफल है। बाकी सफल कहाँ होगी, आप घर जाके कौन सा बायोफ्लोक फिश फार्म लगा पाएंगे? जैसे कंधा मिला के जो कंपनी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देगी, आपका फार्म लगवाएगी, फार्म चलवाएगी, माल कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, उन सब में कोऑपरेट करेगी, तो ही आपका बायोफ्लोक फार्म सफल होगा। अगर आपका फार्म सफल होगा तो जो कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपको कोऑपरेट कर रही है, वो भी सफल होगी। दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए, न कि एक हाथ से। बस शर्त यह है कि आप जो बायोफ्लोक फिश फार्मिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं उसे पूरी निष्ठा से करें, उसमें आपकी कहीं कोई कमी नहीं रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको परफेक्ट ट्रेनिंग कहां मिलेगी। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं ये आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग यूनिट के नंबर हैं, जो कि जींद हरियाणा में है। इस कंपनी का पिछले कई वर्षों से बायोफ्लो के ऊपर रिसर्च चल रहा है और रिसर्च अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमेशा ये रिसर्च करते हैं और नई नई तकनीक बायोफ्लोक में लेके आ रहे हैं, और नई नई रिसर्च का ही ये नतीजा रहेगा कि मान लिया आपने बायोफ्लोक फिश फार्म लगाया, कोई नई तकनीक आई है या किसी प्रकार की समस्या आपके फार्म पे आ रही, तो नई रिसर्च की मदद से ही उस समस्या को सुलझाया जाएगा। यानी कि सही रिसर्च जहाँ हो रही, जो कंपनी आपको हमेशा कोऑपरेट कर सकती है उसी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर को आपकी जरूरत है, उनको भी आपकी जरूरत है, दोनों को आपस में जरूरत है, और दोनों हाथ से ताली बजेगी तो ही आप भी कमा पाएंगे और कंपनी भी आगे चल पाएगी। अब आप मुझे ये भी कहेंगे कि आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर ही क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, और ये बात मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं कितने ही फिश फार्म पे घूम के आ चुका हूं, लोगों से मिल चुका हूं, मैं उनको क्यों नहीं सजेशन में दे रहा हूं? क्योंकि वहां आपको अधूरी जानकारी के साथ कोई एक टैंक लगा के आपको बताएगा, कोई आधा टैंक लगा के, और हमेशा अधूरी जानकारियां दी जाएगी। और आप, मैं कहता हूं कि आप अपने सवाल लेके लिख के लेके जाइए, आपको वो सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे। जबकि आप आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर पर आइए, आपके जितने भी सवाल हो, जितने मुश्किल हो, क्रॉस क्वेश्चन हो, आप पूछिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी, प्रैक्टिकल के साथ मिलेगी। तो जहां सही जानकारी मिल रही वहां ट्रेनिंग ले, क्यों अधूरी जानकारी के साथ अधूरी जगह जाके ट्रेनिंग ली जाए? अब मैं आपको बताता हूं कि आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर ही क्यों। दोस्तों ये जानकारी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर पूरे भारत में पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत आपके साथ मिलके अपने रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर के फार्म खोलना चाहती है, जहाँ आपके फार्म पे ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, नई नई रिसर्च की जाएगी, और आप पूरी तरह से कंपनी के पार्टनर के रूप में काम करेंगे, और वहाँ जो ट्रेनिंग दी जाएगी, नई रिसर्च की जाएगी, और जो मुनाफा होगा उसमें भी आप भागीदार होंगे, यानी कि हिस्सेदार रहेंगे। तो आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई कंपनी है, और इस कंपनी से हाथ मिलाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए। आप भी फार्म खोलिए, लोगों को भी फार्म खुलवाइए और कंपनी में पार्टनरशिप कीजिए। दोस्तों आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर हमेशा आपके साथ रहेगी, और कंपनी चाहती है कि पूरे भारत में हर जगह आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर के फार्म खोले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा मछली का उत्पादन लिया जा सके, और कंपनी मार्केट रेट से भी ज़्यादा रेट में आपसे वो फिश खरीदेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलाएगी। तो दोस्तों नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तुरंत कॉल कीजिए। पार्टनरशिप प्रोग्राम में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरीयता दी जाएगी, तो तुरंत कॉल कीजिए और अपने लिए पार्टनरशिप प्रोग्राम में कंपनी से हाथ मिलाइए और आगे तरक्की कीजिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आगे के वीडियो में भी मैं बायोफ्लोक फिश फार्मिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास आए घंटे के निशान को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय जवान